स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन आता है उसको क्लिक करें। उससे क्या होगा कि मैं जब भी यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम और एहसास लेबर कैश के हवाले से जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट लेके आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो में कुछ सीनियर यूट्यूबर्स की जो वीडियो हैं जो इस मामले पर सर्च कर रहे हैं उनकी रिसर्च की जो हो थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो आपके लिए ऐड की हैं। खुलासा इसका मैंने ये निकाला है, दो महीने से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको जो भी मैसेज मिले हैं जाँच पड़ताल ज़िला इंतज़ामिया या नाअहल वाले वो सब अभी तक उम्मीद न छोड़ें क्योंकि सबको 12,000 रुपये मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो चुका है कि जिनको नहीं मिले हैं इमरान ख़ान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनके लिए लेबर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है, मंडे से वो वर्किंग शुरू हो जाएगी। अभी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ, आप उनको गौर से देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी उम्मीद दोबारा बन जो एहसास लेबर प्रोग्राम वालों की जो तारीख मिली है वो सोमवार मिली है। मंडे वाले दिन आपको एक वेब पोर्टल मिल जाएगी जिस पे आप अपना नाम शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे तो आपको वजह बता दी जाएगी कि आप नाअहल क्यों हुए हैं। और दूसरा, एहसास लेबर प्रोग्राम वालों को मंडे वाले दिन से पैसे मिलने का आगाज हो जाएगा। दोस्तों, आज सिर्फ एक घंटा पहले डॉक्टर सानी निश्तर साहबा ने तमाम लोगों के तमाम क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स अपने ट्वीट में दे दिए हैं। मैं अभी आपको बारी बारी ये ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों ये देखें, इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डॉक्टर सानी निश्तर साहबा का जो है वो ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर अकाउंट है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ एक घंटा पहले उन्होंने जो है अभी से पहले ट्वीट किए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन उनसे क्या किया गया है कि मैडम ये कह कह कर थक गया हूँ कि जिनकी रकम मरहूम वालिद के नाम आई है और नादरा और BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी सारा प्रोसेस कर चुके हैं जिसके तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक रकम ट्रांसफ़र का मैसेज नहीं आया, प्लीज़ इसके लिए अहकामात जारी करें, बहुत लोग मुश्किल में हैं। क्या था और इस ट्वीट का जो जवाब है वो डॉक्टर सानी निश्तर साहबा ने जो है वो इस अपने ट्वीट के अंदर कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अफराद जिनके अहले खाना वफात पा चुके हैं और उनके नाम अहलियत के पैगाम उनको मौसूल हुई थे, ऐसे अफराद और ख़ानदान को अदायगियों में आसानी के लिए अगले हफ्ते के आगाज़ में तरीका वज़ा कर दिया जाएगा। यानी एक हफ़्ता ऐसे लोग सब्र करें, एक हफ़्ते के बाद पूरा प्रोसेस पूरा तरीक़ाकार जो है वो वज़ा कर दिया जाएगा और आप लोगों को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे जी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो सवाल ये किया गया था कि जी हमें SMS जो है वो आया है कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो गलत है। तो ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर सानी निश्तर साहब का ये ट्वीट देखें जिसमें वो फरमा रही हैं कि कुछ अफराद को ये पैगाम मौसूल हुए हैं कि आपका शनाख्ती कार्ड नादरा से तस्दीक शुदा नहीं है या आपका शनाख्ती कार्ड दुरुस्त नहीं है। इन अफराद ने इमदाद की दरख्वास्त का SMS भेजते हुए गलत शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करवाया था, इसलिए इनकी दरख्वास्त प्रोग्राम में शामिल नहीं की गई। देखें, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जिन लोगों को बताया जा रहा है कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो नादरा से तस्दीक शुदा नहीं है, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि आपने जब शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड किया था उसमें आपने मिस्टेक खुद की थी, इसका अजाला जो है आप खुद कर सकते हैं, मतलब इसका नुकसान आपको खुद को हो रहा है, आपने शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो गलत सेंड नहीं करना था जी। दोस्तों, आप एक और ट्वीट देखें यहाँ पर जो मौजूद है बायोमेट्रिक के हवाले से, यहाँ पर देख सकते हैं, फरमाती हैं कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर से बैंकों में उन अफराद को अदायगियाँ शुरू हो जाएंगी जिनको उंगलियों के निशानात की बायोमेट्रिक तस्दीक के मसाइल दरपेश हैं, इस बारे में हम आपको तफसीलात से आगाह कर देंगे। यानी ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन लोगों के उंगलियों के निशानात जो हैं वो तस्दीक नहीं हो रहे तो वो बैंकों से जाके पैसे वसूल कर सकें जी। इसके बाद एक और ट्वीट ये किया गया था कि मोहतरमा अभी मुझे इस नंबर से कॉल आई है, वो नंबर उन्होंने नीचे बताया हुआ है, ये वाला नंबर कि वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेकर 12,000 रुपये देने का कह रहा था लेकिन जब मैंने उसको पकड़ा तो उसने फौरन फ़ोन बंद कर दिया। आपको ऐसे नंबर्स के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बकौल इसके के एहसास सेंटर ख़त्म कर दिए गए हैं,
अब इजी पैसा के जरिए आपको पैसे दिए जाएंगे। ये डॉक्टर सनी निश्चल साहब क्या फरमा रहे हैं कि हमें इस जेली नंबर से आगाह करने का शुक्रिया, हम इस नंबर के खिलाफ कार्रवाई के लिए इसको फौरन रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्वीट है पैसों के हवाले से वो ये है, ये देखें शहजाद अहमद साहब हैं कोई, इन्होंने ट्वीट किया है कि मोहतरमा सानिया निश्तर, मेरे वालिद साहब एहसास इमरजेंसी कैश के अहल थे लेकिन 8171 के जवाब में लिखा था कि आपको रकम के हुसूल के लिए बजर SMS आगाह किया जाएगा लेकिन अभी तक कैश वसूली का SMS नहीं आया, मेरे वालिद साहब बहुत परेशान हैं, प्लीज़ हमें मुतमईन जवाब दीजिएगा। 8171 पर SMS हमने 15 अप्रैल को किया था। अब इसके जवाब में देखें डॉक्टर सानिया निश्तर साहबा क्या फरमा रही हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत से लोग परेशान हैं वो देख लें। फरमाती हैं वो अफराद जिनको अहलियत का पैगाम आया था, यानी ये पैगाम मिला था कि जी आप रकम के लिए अहल हैं मगर अदायगी का हतमी पैगाम मौसूल नहीं हुआ, उनको ईद की छुट्टियों के बाद जल्द ही अदायगी का पैगाम भेज दिया जाएगा। कोरोना के तनाजुर में समाजी फासलों को बरकरार रखने के लिए अदायगियों के पैगाम मरलावार भेजे जा रहे हैं ताकि अदायगी मराकज़ पर हुजूम ना इकट्ठा हो। तो आज से जो है वो ईद की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, इंशाल्लाह अगले 2-3-4 दिन तक जो ऐसे तमाम लोगों को जो है रकम के मैसेज भेज दिए जाएंगे। यदि इन्फॉर्मेटिव वो यूज़फुल हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इमरजेंसी कैश और एहसास लेबर प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने थोड़ी सी सर्च के बाद आपके लिए वीडियो बनाई और पेश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको तक पहुंचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।